उसने अपने शादी नहीं किया, क्यों नहीं शादी किया कभी सोचे हैं? शादी नहीं किया है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों से लड़ता हूँ, मैं बिहार के प्रगति के लिए बात करता हूँ, बिहार के शिक्षा पर बात करता हूँ, बिहार के स्वास्थ्य पर बात करता हूँ, बिहार में जातिवाद को हटाने के लिए बात करता हूँ। कानूनी कोर्ट, कानूनी जितनी भी प्रक्रिया है, कोर्ट की जो हाई कोर्ट में मामला गया है, वो प्रक्रिया वहाँ चल रही है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसके विरोध में हम लोग कभी नहीं है। वो अलग, मैं बता रहा हूँ, वो अलग चीज़ है, और हम लोग जो यहाँ पर जो एक सत्याग्रह कर रहे हैं, अलग चीज़ है, ठीक है ना। प्लीज मेरे भाई के ताकत बने, अगर आप आज ताकत बनते हैं कल आपकी ताकत बन सकते हैं। बस मुझे सरकार से कोई सिफा नहीं है, मुझे किसी नेता से सिफा किया नहीं है, मैं बस यही आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग आवाज बने। और इसके पीछे मेरे पीछे बहुत हजारों संख्या में लोग पीछे पड़े हैं, मैं अकेला हूँ। जो लोग भी मनीष का सबसे हल्का मुट्ठी भर लोग बच गए हैं, उन लोग मुट्ठी भर भी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको जितना नफरत करना है कर लीजिए, लेकिन हम लोगों के तरफ से, मनीष के सब के प्यार परिवार के तरफ से, आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद के सिवा बद्दुआ कभी नहीं देगा। लोग हमारा अभी भी आप लोगों के प्रति प्यार है, स्नेह है, आप लोगों का विरोध हमें करना ही नहीं है, ना हमें बिहार के किसी नेता का विरोध करना है, ना सरकार का विरोध करना है। हम मनीष का सबके बातों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, और जनता को बस यही बताने का काम करेंगे इस यात्रा के माध्यम से कि मनीष कश्यप ने क्या त्याग किया है अपने जीवन को। अरे भाई, इंजीनियर था, आराम से 1.5 लाख का महीना कमा लेता, या आज के भी कंडीशन में अगर ऑफिस खोल के बैठ जाए एसी रूम लगा के तो 10-15 लाख कमा सकता है, लेकिन सबका त्याग करके अगर धूप में पसीना खाद निकलते हुए बारिश में आंधी में ठंडा में अगर आप लोगों के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं से आप लोग भी उसका सम्मान करना आप लोग का जायज बनता है। और उसी चीज़ का एहसास दिलाने हम फैसला सुनाने नहीं निकले हैं, हम अपना आग्रह लेकर निकले। इसका सब्जी की माता जी आएंगे यहाँ पे, तो माँ आज आई हैं और हम लोग माँ का पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं, और उनका आशीर्वाद लेकर ही हम लोग यात्रा का आरम्भ किए हैं। हर जिले में जहाँ जहाँ हम लोग सभा करेंगे, जहाँ हम लोगों से मिलेंगे, करण कश्यप जी हमारे साथ रहेंगे, और माँ आज आई हैं हम लोग के आशीर्वाद देकर के हम लोगों को यहाँ से विदा किए हैं। अब करण कश्यप जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि करण कश्यप जी अपना 2 शब्द आप सभी के सामने रखें। आप सभी आए देखकर मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, कम से कम लगा तो इतना भीड़ तो मेरे भाई के पीछे खड़ा है। देखिए, सबसे पहले चंपारण की जो भूमि है, जो महात्मा जी गांधी जी आए थे और यहाँ पे महात्मा गांधी बना दिए, इसको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, इस भूमि को मैं प्यार करता हूँ, इस भूमि को दंडोत्पन्न करता हूँ, और आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक मनीष हर जगह नहीं जा सकता है, चाहे मनीष एक आदमी मनीष के लिए लड़ नहीं सकता। मैं भाई हूँ, मैं खुद थक गया हूँ, मेरा और रिलेटिव लोग खुद थक गए हैं, लेकिन आप लोग का जो देखते हैं कि इतना समर्थन मिलता है, इतना पोस्ट देखता हूँ, हर पार्ट देखता हूँ, 10,000-12,000 पोस्ट आती है, तो लगता है मेरे अंदर भी लगता है कि नहीं, लोग इतना खड़े हैं तो तू क्यों घबरा रहा है। मैं फिर सांस को लेता हूँ और फिर चलता हूँ कि चलो भाई के लिए कुछ किया जाए। अब मैं मनीष के लिए मैं क्यों आया हूँ? मनीष के लिए मैं इसलिए आया हूँ, मनीष मेरा भाई नहीं है, समाज का बेटा, वो आप लोग का भाई है। मनीष एक माँ का बेटा नहीं है, बिहार के सारे माँ का बेटा है। मनीष पूरे बिहार के लिए जीता है, हर माँ को बोलता है कि आंखों का आंसू पोंछे काम करता है। कोई भाई आता है मनीष के, जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, वो भरसक कोशिश करता है कि हाँ चलो मैं तुम्हारा ढाल बन के तुम्हारे आगे चलूंगा। अब ये मनीष किया है, इसीलिए मैं आप लोग के बीच में आया हूँ। अगर एक मनीष कुछ भी नहीं किया रहता इस सिचुएशन में, मैं अपने पर लेता हूँ, अगर मैं फंसा रहता तो मेरे पीछे कौन आता? कौन जाता? कोई करण, करण कौन है? कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने समाज के लिए क्या किया? कुछ किया है? नहीं, जानते थे नहीं, कुछ नहीं किया हूँ। मैं आराम से कमाता था, अपने परिवार चलाता था, दिल्ली में रहता था, बस यही होता। लेकिन मनीष ने त्याग किया, आप लोगों ने त्याग किया है। उसने अपने शादी नहीं किया, क्यों नहीं शादी किया कभी सोचे हैं? शादी नहीं किया है कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों से लड़ता हूँ, मैं बिहार के प्रगति के लिए बात करता हूँ, बिहार के शिक्षा पर बात करता हूँ, बिहार के स्वास्थ्य पर बात करता हूँ, बिहार में जातिवाद को हटाने के लिए बात करता हूँ। और इसके पीछे मेरे पीछे बहुत हजारों संख्या में लोग पीछे पड़े हैं, मैं अकेला हूँ, तो मेरी खुद की फिक्र है। मेरे पीछे कल होगा, मेरी वाइफ आती है, मेरे बच्चे आते हैं, तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इसलिए मनीष ने शादी नहीं किया, लेकिन उस पगले को क्या पता था कि उसके पीछे पूरा परिवार बचा है। आज भाई के लिए हर कोई रोता है, मेरे परिवार में सब कोई,
मैं भागता हूँ, इधर भागता हूँ, उधर भागता हूँ, जो मैं जानता नहीं था कि हाँ तमिलनाडु में कौन सा मदुरई जगह है, कौन सा चेन्नई जगह पे है, कहाँ पे है। आज तक मैंने फ्लाइट पे चढ़ा भी नहीं था, सच्चाई ये है, आज तक मैंने फ्लाइट पे चढ़ा ही नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसा कर दिया, इतना तेजी में भगाया समय को, फ्लाइट पे भी चढ़ा दिया, आप लोगों के बीच में भी ला दिया और हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने भी खड़ा कर दिया, जो मुझे बहुत कम लोग इसमें जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते हैं, 5-10 की संख्या होगी पहले मुझे जानते हो जानने वाले, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया से दूर ही रहता था, कभी खुश हुआ तो एक फ़ोटो मैं डाल दिया, कभी खुश हुआ तो एक स्टेटस लगा दिया, बस मेरा काम इतना ही था, इतना ही तक मैं सीमित हो गया। और मेरे भाई खुद ने बताया था कि कभी लाइव वीडियो मत आना और कभी ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि उसको भी डर था कि अपने परिवार को इतना प्रोटेक्ट करता था कि आज मेरे परिवार को कुछ ना हो, लेकिन आज उसका परिवार हर जगह उसके लिए भीख मांग रहा है, दर दर के ठुकरे खा रहा है, बस मैं भी बोलता था कि हाँ जब ये सब क्या कर रहा है, क्या जितना कमा रहा है उतना ही काफ़ी है, बहुत अच्छा है, क्यों ऐसा काम करता है, जो दुनिया चल रही है उसी राह में चलते रहो, अगर पानी चलती है नदी में पानी चलती है उसी रास्ते में चलते रहो, तुम भी बढ़ते जाओगे, लेकिन नहीं, उन्होंने रोकना चाहा, भ्रष्टाचार को रोकना चाहा, सोचा कि बिहार को आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, इसलिए बात करना चाहा और आज इसी सिचुएशन में पड़ गया है। तो आप लोग सभी से आग्रह है, प्लीज मेरे भाई के ताकत बने, अगर आप आज ताकत बनते हैं कल आपकी ताकत बन, बस मुझे सरकार से कोई सिखा नहीं है, मुझे किसी नेता से सिखा नहीं है, मैं बस यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ बने और उस लोगों तक पहुँचाए जहाँ मेरा मनीष बाहर निकल चुके हम लोग, बस यही कहना चाहूँगा। भैया कल हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा से बता दीजिए, कल अभी अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या आगे की प्रक्रिया क्या, आगे प्रक्रिया क्या होने वाली है? देखिए आगे की प्रक्रिया सिर्फ इतनी है कि आज हम लोग इस चीज़ को अभी यहाँ संपन्न कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया कब से हम लोग को परमिशन मिले, क्योंकि हम लोग परमिशन के लिए अप्लाई किया है, जैसे हम लोग आगे का प्रक्रिया का परमिशन मिल जाएगा तो हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका घोषणा हम लोग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में कहा था कि इनकी रिहाई के लिए, इनसे हटाने के लिए हाई कोर्ट में, मैं बता रहा हूँ कानूनी जितनी भी प्रक्रिया है कोर्ट की, जो हाई कोर्ट में मामला गया है वो प्रक्रिया वहाँ चल रही है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, उसके विरोध में हम लोग कभी नहीं है, वो अलग, मैं बता रहा हूँ वो अलग चीज़ है, और हम लोग जो यहाँ पर जो एक सत्याग्रह कर रहे हैं अलग चीज़ है, ठीक है ना, हम लोग मनीष कश्यप के बारे में जनता को बताने जा रहे हैं और मनीष कश्यप के मामले में जो भी चीज़ है वो न्यायालय अपना तय करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है मनीष भैया का? वर्तमान स्थिति आप सभी के सामने, जितना लोग आप लोग जानते हैं उतना ही हम लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता। ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट बोला था कि हाई कोर्ट के लिए मूव करने के लिए, हाई कोर्ट के थ्रू आने के लिए, तो हम लोग हाई कोर्ट के मंगलवार को मैं जा रहा हूँ, मंगलवार को वहाँ पे बेल पटिशन जो होती है, एन एस एफ जो खारिज करने की प्रक्रिया होती है उसको करूँगा, उसके आगे अब जो ऊपर वाला का दुआ और आप लोग के माँ पापा भाई लोग का दुआ बस लग जाए और भगवान सोए हैं शायद, जग जाए और मनीष भाग